और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं क्या सचमुच में ये ऐसी होती है। देखिए बिल्कुल आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अजीब चीज़। बहुत से लोगों ने जो युवा है खासकर उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा होगा। मैं छू के दिखाता हूँ, देखिए तुरंत जैसे ही इसको छूता हूँ, इस पत्ती को मैं छू रहा हूँ, तुरंत देखिए सिकुड़ती चली जा रही है और ऐसे में हाथ फिरा रहा हूँ तो सारी पत्तियाँ अपने आप में कैसे सिमट गई। इधर ये कंगारू और नीचे झोली में अपने बच्चे को छुपाए हुए, ये चीड़ का पौधा है। ये मरुस्थलीय पौधा होता है, पहाड़ी इलाके का पौधा है ये चीड़। चीड़ के बारे में आपने अच्छे से जब भूगोल विज्ञान पढ़ा है तो चीड़ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। नमस्कार साथियों, और फिर से आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और पिछले साल की बात, इस बार भी मैं आया हूँ बंदा अरवल पार्क बहेड़ा इटावा में। आप देख सकते हैं एंट्री गेट है इसका। सबसे पहले देखिए यहाँ एंट्री करने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। हम दो लोग हैं, हमने टिकट अपना ले लिया है, हमारे हाथ में टिकट है। तो अभी हम आ चुके हैं पार्क के अंदर और आपको हर एक हर्बल का हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए बिस्मार्क पाम करके, ये इस टाइप के आपने पौधे देखे होंगे लेकिन बहुत कम इस टाइप के देखे होंगे, लेकिन इसे बहुत कम देखा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ हर चीज़ नई नवेली आपको अनोखी देखने को मिलेगी जो आपने कभी शायद ना देखी हो। ये देखिए फुलवारी लगी हुई चारों तरफ, बहुत अच्छा पार्क है। चूँकि दोपहर है, पिछली बार ही मैं दोपहर में आया हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे। और इधर कई सारी फुलवारियाँ हैं, ये जो पीछे आप देख पा रहे होंगे शायद आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, इसमें समाज सेवी विजय प्रताप का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इस हर्बल पार्क के अंदर क्या क्या मौजूद, कौन कौन सी हर्बल्स हैं, कौन कौन से पौधे फुलवारियाँ हैं, और जितने नाम है शायद उससे ज़्यादा यहाँ पर हैं। अभी ये नाम बढ़ाए जाने हैं, यहाँ लिस्ट शायद दूसरी लगनी है। तो पिछली बार जब आया था तो इन काफ़ी सारी चीज़ों में जो परिवर्तन हो गया नहीं थी। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है और इसके अंदर फल भी लगे हुए हैं, और इसका नाम है ऑरेंज जैस्मिन, यानी कि हिंदी में कामनी कहते हैं। तो हम आपसे एक एक अनुरोध करेंगे कि वीडियो आप पूरा देखें, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पूरे वीडियो में हम आपको पूरा पार्क दिखाएंगे जल्दी जल्दी करके। ये मोरपंखी आपने देखी होगी, हम लोग इसको विद्या ही बोलते थे और कापी किताबों में रखा करते थे। तो ये पिछली बार ये जो गेट है ये नहीं बना हुआ था पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था। ये इधर आम के वैरायटी पौधे हैं, सामने लगा हुआ है वाटर एप्पल। ये पौधा देखिए, इसको ब्रह्म कमल के नाम से सीक्रेट सॉर्सर आप करके, पता नहीं इसका क्या अजीब नाम लिखा है अंग्रेजी, ब्लैक चेरी, मैंगो स्टीन। ये देखिए ये पौधा है, चंदन का पौधा है ये। और हर एक पौधा और जड़ी बूटी जो भी है, हर किसी के पास एक उसका नेम प्लेट नाम दर्शाता लगा हुआ है। ये शायद चकोतरा है, इसको आपने देखा होगा, मैंने इसको पहले देखा है। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये बर फ्लावर कदम बोलते हैं जिसको, ये चाय का पौधा है, लक्ष्मण फल, राम फल, जगलेंस रेजिया, अखरोट बोलते हैं अंग्रेजी में इसका नाम। इधर देखिए खजूर टाइप का आपने छुआरा देखा होगा काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दुर्लभ नहीं है। ये पौधा है छोटा सा मलाई एप्पल, अभी इसमें फल नहीं लगे, छोटा सा है, क्योंकि इनके लिए जलवायु जो है वो इतनी पर्याप्त नहीं रह पाती, तो इसलिए ग्रोथ बहुत कम करते हैं। अगरवुड एलोस वुड लिखा हुआ है इसका नाम है, ये शायद वैरायटी तुलसी है, इसका नेमप्लेट नहीं लगा है। ये छुआरा का पौधा है, रूबी लोगोन, ये पौधा लगा हुआ है इसका। कई तरीके की 100 से ज़्यादा प्रजाति के यहाँ पर हर्बल्स लगे हुए हैं और सभी के पास। ये शरीफा है, ये पौधा देखिए सूख रहा है, इसके हिसाब से यहाँ की जलवायु नहीं है, ये शरीफा का पौधा है। ये मीठा नीम है, इसको आपने देखा होगा, ये गांव देहात में भी काफ़ी लोग अपने दरवाजे पर शोभा के रूप में अच्छी छाया के लिए लगाते हैं, मीठा नीम, स्वीट नीम लिखा हुआ है। पिछली बार ये जो गमले रखे हुए हैं बांस के, ये भी रखे हुए थे,
इसको आप देखिए कोको फ्रूट बोलते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, सारे पौधों को आप पहचानते जाइएगा क्या सचमुच में ये वही है। और यहाँ जो भी लगाया गया उसका नाम लिखा गया है, ये लाल चंदन है इसको बोलते, जिसको मैंने अभी बांस बोला था ग्रीन बैम्बू। ये घर पे, घर के आगे दरवाजों पर आपने देखा होगा सजावट के लिए लगाया जाता है। ये चीज़ हम काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, टच मी नॉट, छुई मुई, मिस मोसा पुडिका इसका नाम है। देखिए हमने इसको बचपन में देखा था और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं क्या सचमुच में ये ऐसी होती है। देखिए बिल्कुल आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अजीब चीज़। बहुत से लोगों ने, जो युवा है खासकर, उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा होगा। मैं छू के दिखाता हूँ, देखिए तुरंत जैसे इसको छूता हूँ, इस पत्ती को मैं छू रहा हूँ, तुरंत देखिए सिकुड़ती चली जा रही है और ऐसे मैं हाथ फिरा रहा हूँ तो सारी पत्तियाँ अपने आप में कैसे सिमट गई। ये पौधा लगा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, राम भूटान इसका नाम है। ये मिल्क फ्रूट, ये इधर छोटा सा पौधा है वैक्स एप्पल का, कुछ जामुन की तरह इसकी पत्तियाँ दिखती हैं। और ये थोड़ा बड़ा हो चुका है चूँकि, तो इसको पौधा नहीं हम पेड़ बोलेंगे। और ये मौसमी का है, देख लीजिए हर एक पौधे के पास, हर एक पेड़ के पास नेम प्लेट लगा हुआ है उसको पहचानने के लिए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कई बार यहाँ पर, मतलब एक से ज़्यादा जगह लगाई गई। निर्गुंडी बड़े एप्पल कैथा, और यहाँ से ये दूसरी गली प्रारंभ हो जाती है, इसमें भी कई सारी हर्बल्स। ग्राफ्टेड अमरूद मुझे याद है, पिछली बार भी ये पौधा था। इधर नारियल है, बरखा डोज चेरी, स्वीट चेरी, एग फ्रूट ऐसे कह लीजिए, अंडा पौधा इसको बोलते हैं। ये एग फ्रूट का भी इधर लगा हुआ है पौधा। ये कीवी, कीवी फल तो आपने खाए होंगे, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, कहीं भी बाज़ारों में आप जाएंगे वहाँ भी मिल जाता है कीवी फल। ये काला आम है, ये पौधा पिछली बार भी लगा हुआ था लेकिन इस बार इसमें कुछ रोग की वजह से आम नहीं आए हैं, या इसका आम आने का उस टाइम जब मैं आया था, जब अपने आम ख़त्म हो चुके तब इसमें आम लग रहे थे। ये इधर देखिए ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट आपने खाए होंगे, और ऐसा माना जाता है इस पौधे का जो फल होता है काफ़ी ताकतवर होता है, हमारा इंसान के अंदर ताकत बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है। ये फैशन फ्रूट है, इसका भी नाम काफ़ी ज़्यादा चलन में है क्योंकि फैशन का दौर है तो फैशन फ्रूट का नाम तो आना ही है। ये देखिए कुछ इस तरीके का पौधा होता है फैशन फ्रूट का। जम्मू कश्मीर की ये देखिए सुंदरता, सेव सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही पैदा होते हैं, और भारत के कुछ अन्य भी इलाके हैं जहाँ ज़्यादा ठंडक रहती है वहाँ भी सेव पैदा होता है। ये देखिए नाशपाती का पौधा है, पतला पतला सा खड़ा है, और ये खड़ा हुआ है, नेम प्लेट लगा है इसका पौधे का, लुकाट नाम है इसका, कुछ आम की तरह इसके पत्ते हैं। कुचला कजरा, पॉइजन नट ट्री, जहर वाला पेड़ ये लगा हुआ है देखिए नीचे, ये छोटा सा पौधा है इसका। ये देखिए ये पौधा है जो चाइना पाम है। इधर ये पारस पीपल है, पीपल से मिलता जुलता है इसका रंग रूप, नेम प्लेट आप देख लीजिए पारस पीपल। उधर पीछे शायद पौधा लगा है कीवी गोल्डन का, क्योंकि इधर बाढ़ लगी हुई तो हम अंदर जा नहीं सकते, बैरिकेटेड एरिया है पूरा। और उधर ही सामने एक पौधा है रुद्राक्ष का, देख सकते हैं आप वीडियो में, आपको नज़र आ रहा होगा नेम प्लेट लगा हुआ है रुद्राक्ष। बहुत अच्छा पार्क, गाँव देहात में जिला इटावा के अंदर बहेड़ा गाँव में एक ऐसे पार्क का निर्माण, अपने आप में काफ़ी सराहनीय काम है। और ये देखिए पक्षी, जो आज से कुछ शतक पहले तक ऐसे घोंसले बनाया करते थे, अब वो पक्षी खत्म हो चुके हैं। पूरी अंगूर की बेल जो ऊपर है, और बहुत अच्छी फसल है ये अंगूर की, यहाँ पर काफ़ी गुच्छे लगे हुए हैं। और ये जो अंदर वाला एरिया है गैलरी, यहाँ तार बाड़ लगाई गई है, अंदर जाना मना है, तो इसलिए मैं अंदर की ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता। पार से जुड़ी एक आपको हम चीज़ दिखाते हैं, तालाब।
ये तालाब देखिए, और सामने इसका कुछ सुंदरीकरण का काम चल रहा है। अमृत सरोवर शायद इसको नाम दिया गया है। इस पर अभी काम चल रहा है, और जब से इस पार्क का बनना शुरू हुआ है तो काम लगातार चल ही रहा है। मजदूर यहाँ लगातार काम करते रहते हैं। पिछले साल इसमें जलकुंभी थी, जिसे कि साफ कर दिया गया, क्योंकि अब तालाब का सुंदरीकरण होना है। इसमें नौका विहार वगैरह ऐसी चीज़ें शुरू की जाएंगी, और चारों तरफ एक सड़क बनाई गई है। ये देखिए खनेर है, बिल्कुल अलग कलर की। ये सामने पौधा देखिए, आप देख पाएँ साइड कपूर लिखा हुआ है, एक तख्ती लगी हुई वहाँ पर, नीचे पौधा लगा है। किन्नो अलग होता है, संतरा अलग होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ों के जो मिलाकर बनाया गया किन्नो संतरा, ये पौधा बिल्कुल अलग होता है। शायद इसमें अलग तरीके का ही फल लगता होगा। इधर देख लीजिए पूरी गैलरी, बहुत ज़्यादा सुंदर पार्क है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ पर घूमने ज़रूर आता हूँ। ऑडोमॉस, आपने बादाम खाया होगा, ये देखिए बादाम का पौधा है। ये पौधा से पेड़ बन चुका है, काफ़ी बड़ा है, ऊंचा निकल गया है ऊपर तक, बादाम का पेड़ ये। और इधर ये बल्ब लगाए गए हैं रात में, ऐसा मैंने सुना है, काफ़ी सुंदर लगता है। कभी मौका मिलेगा अगर तो रात में एक बार हम आके यहाँ पर बहुत अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएँगे। और अभी मैं आधा पार्क नहीं घूम पाया हूँ, वीडियो इतना लंबा हो चुका है। फिर हम आपको जल्दी जल्दी और सारी चीज़ें पार्क दिखा देते हैं, अंदर एक्यूप्रेशर थेरेपी जोन है वो दिखा देते हैं। ये छोटा सा पौधा अभी बिल्कुल नन्ना है, शायद ये इतना ही बड़ा होता होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें नई अनोखी मैंने देखी हैं, और आप भी नई अनोखी ही देख रहे होंगे। सारी चीज़ें मैं यकीन करता हूँ कि आपकी देखी हुई नहीं होंगी। ड्रॉप मधु मालती इसका नाम है। आलू बुखारा आपने देखा होगा, नाम भी खूब सुना होगा। ये चीज़ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार आसानी से देखने को मिल जाती है। जूनी प्रेस, ये पौधा देखिए ठीक उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कापी में रखा करते थे, हमने पहले दिखाया था, विद्या बोलते थे जिसको। ये डोमिया का पौधा है, इसमें फूल खिला हुआ है कनेर की तरह। और पार्क के अंदर कुछ ऐसी हर्बल्स हैं जिनको बिक्री के लिए भी रखा गया है। ये आप घर पर ले जा करके, मतलब आसानी से आपके घर पर हो जाएंगे, हर्बल्स तो नहीं कह सकते। और सेल प्लांट, ये देखिए कितना सुंदर पौधा है, पत्ते कम फूल ज़्यादा हैं इसमें। अब हम आ गए पार्क के अंदर, और काफ़ी बड़ा पार्क है, कई सौ लोग एक बार इसमें घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं और मस्तियां कर सकते हैं, इतना बड़ा पार्क है। और बीच बीच में इसमें कई सारे ऐसे रंग बिरंगी फूल देने वाले पौधे लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, बीचों बीच इसके खंबे पर एक लाइट लगाई गई है। यहाँ भी कुछ हर्बल्स हैं, गुड़हल हाइब्रिड, और उसमें एक ही साथ कई सारे सफ़ेद पीले कई सारे गुलाब की प्रजातियाँ एक साथ दिखाई गई हैं। इधर देखिए कोई पौधा है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत, एकदम कड़क। ये किस चीज़ का पौधा है, इसका नेम प्लेट इसी के चारों तरफ कहीं लगा होगा, दिख नहीं रहा है। और ये फाउंटेन जोन है, इसमें फब्बारा लगा हुआ है अंदर, और ये इलेक्ट्रिक से चलता है रात के टाइम। उधर कुछ झूले भी लगे हुए हैं। ये कोई एक पौधा है जिसका नेम प्लेट शायद उसी तरफ लगा होगा, काफ़ी अच्छे एक साथ कई रंग को दर्शाते हुए इनके पत्ते। और पार्क की सुंदरता, पौधों की सुंदरता रोशनी द्वारा जब बढ़ाई जाए तो और ही अच्छा लगता है। ये देखिए कई सारी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। ये देखिए ये चीड़ का पौधा है, मरुस्थलीय पौधा होता है, पहाड़ी इलाके का पौधा है ये चीड़। चीड़ के बारे में आपने अच्छे से जब भूगोल विज्ञान पढ़ा है तो चीड़ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इधर एक कोई पौधा है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको अभी पौधों के नाम बता रहा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं, उसी में इतना लंबा वीडियो हो गया। बोगेन वेलिया, कागज़ के फूल, पेपर फ्लावर नाम है इस पौधे का।
इसका नाम है चिरायता, जो मैं आपको बता रहा था। इसके हरे और लाल पत्ते कुछ दिख रहे हैं सुनहरे से, इसका नाम चिरायता है। इधर देखिए गेंडा हाथी, बिल्कुल सचमुच में गेंडा लग रहा है देखने में। इधर ये डायनासोर, और इधर ये कंगारू, और नीचे झोली में अपने बच्चे को छुपाए हुए। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी पिछली बार, ये इसमें जो जीव जंतु के चित्र बनाए गए ये नहीं थे पार्क में। ये जगह जगह गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, ये भी नहीं थे। और बीच में ये लाइट लगी हुई थी, लेकिन इसके आसपास कुछ पौधे लगे ये नहीं थे। और हर एक पौधे की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ रात्रि के समय ये स्वचालित लाइटें लगाएंगे, इनको बिजली दी जाती है, अपने आप ये चलती हैं। इनके रंग भी बदलते हैं और ये इधर उधर घूमती भी हैं। ये देखिए मोगरा है, मोगरा बोलते हैं। ये बीच में एक बड़ी अच्छी जगह बनाई गई, और यहाँ देखिए बोतल पड़ी हुई है पानी की, ये एक इधर पड़ी हुई है। भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे सार्वजनिक जगहों पर वीडियो बनाता हूँ, आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप ऐसी जगहों को गंदा ना करें। कितना अच्छा पार्क है, बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ आप आएँ घूमें खूब आनंद उठाएँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक आप चाहें तब तक रहें, पूरे दिन खुला रहता है। मानो कार पास, और ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पिछली बार बोर्ड लगा हुआ था, इस बार बोर्ड नहीं है, लेकिन ये पौधे पिछली बार से और भी ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। ये देखिए पालतू मोर है शायद, बड़ा ही सुंदर है। हाँ ये यहाँ का पालतू है, क्योंकि पालतू ना होता तो अभी तक यहाँ से भाग गया होता मुझे देखते ही। वाह, बड़ी आसानी से फ़ोटो और वीडियो शूट करवा रहा है ये मोर। बैठे रहो, राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश का, और इनको ऐसी ही जगह पसंद है, क्योंकि मोर सर्दी के समय में भी अगर धूप होती है तो बर्दाश्त नहीं होती, तुरंत छांव ढूंढते हैं ये। पार्क के अंदर थोड़ी बहुत गंदगी है, तो आपसे कहना चाहेंगे गंदगी ना करें ऐसी जगहों पर आकर के। डेट पाम, यानी खजूर से रिलेटेड जुड़ा हुआ पौधा, कितना सुंदर है, चारों तरफ एक पत्तेदार फुलवारी, बीच में ये पौधा है। तो वृंदा हर्बल पार्क का लगभग नज़ारा मैंने आपको सारा दिखा दिया है। एक्यूप्रेशर थेरेपी जोन जो था वो भी मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर सब दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको बस ये दिखाना था कितना सुंदर है ये पार्क। आप खुद आएँ यहाँ पर आकर के, इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखें, मजे लें। और सामने ये मंदिर, इस मंदिर के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं वीडियो आपको दिखा दूँगा। और अभी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लोग हैं। तो इस वीडियो के जरिए हमें आपको यही बताना था कि इटावा जनपद के अंदर बैगड़ा गांव में एक वृंदा हर्बल पार्क है, जिसको कि विजय प्रताप सिंह सेंगर एक बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, जिन्होंने मंदिर भी बनवाया पार्क के पास में, और इतने अच्छे पार्क का, ऐसी दुर्लभ चीज़ों का एक ही जगह समागम किया है, जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना देख पाते। और कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, बड़ा अच्छा पार्क, बहुत बड़ा पार्क है ये। और मैंने सिर्फ इस पार्क की अभी आपको जो मुख्य जड़ी बूटियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई, अभी हम देख रहे हैं सामने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दिखा पाए। तो आप जब खुद आएँ, मेरा एक इस वीडियो का उद्देश्य था कि इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताएं। तो आप जब यहाँ पर खुद आएँ, अपनी आँखों से देखें, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार आएँगे, कई बार आने का मन करेंगे। वीडियो में आपको यही बताना था, और धन्यवाद करते हैं उस विजय प्रताप सिंह सेंगर समाज सेवी का, जिसने गाँव देहात के अंदर हम सभी लोगों को ऐसी दुर्लभ चीज़ों का एक समागम बना के दर्शाने की कोशिश की है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।